नाज़रीन खबरों में आगे बढ़ने से कबल आप तमाम से दिली गुजारिश की जाती है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर ले ताकि हमारी हर लेटेस्ट वो ब्रेकिंग न्यूज आप तमाम को बराबर मिल सके। मेरा नाम गुलाम गौस गिलानी है, मैं साबिका कॉरपोरेटर गुलाम समनानी साहब जो रुकने आमिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थे उनका पोता हूँ। मैं मन्नान का बड़ा भाई हूँ। मेरे घर के दो घर बाजू मुमताज़ अहमद खान एमएलए रहते जो 25 साल से आवाम को पागल बना रहे। इससे पहले जो झगड़ा हुआ था वो झगड़े के मुनसब में आके अभी मैं घर के नीचे बैठा हुआ था, मेरे को आके अननेसेसरी पछड़ा मारे, मार के ये बोले कि तू मेरे को सलाम नहीं कर रहा। मैं उनको कैकू करूँ सलाम, और उनको मैं देखा नहीं था, सलाम तो अल्लाह को पहुँचता ये भी मालूम, मैं उनको देखा नहीं था। मेरी माँ को लग देते, मेरे को वो कर देते, मेरे को ये कर देते, पैर पे पैर रख के चीर देते, उनके भतीजे बोल रहे कि गोलियाँ मार देते। भाई मर्द हूँ, आके गोलियाँ मार सकते आप, आपको जो करना है कर सकते। इससे पहले ये कंप्लेंट असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिया था, असदुद्दीन अवैसी साहब के कहने पे ही मैं खामोश बैठा हुआ था कि कुछ नहीं करना। असद साहब बोले थे कि सब्र से काम लेना मियाँ, कुछ नहीं करना। मैं ये चीज़ पे खामोश था, अननेसेसरी उन्होंने अब आए मेरी माँ के सामने बैठ के, इससे पहले 45 मिनट खदमों में बैठ के रोया इम्तियाज और उसका भाई मंसूर। आपको इंशाल्लाह वो वायरल भी करूँगा वीडियो, और आपको वो आपको पूरी चीज़ की ऑडियो भी मिलेगी। और ये जो भी चल रहा ना साहब, ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं है। उन्होंने सीनियर एमएलए होंगे अपने घर में, और उन्होंने पब्लिक के लिए एमएलए बने, उनके घर की जाति मफाद के लिए नहीं बने हुए। ये सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात है। असद साहब आप इसको नोट लीजिए, अगर आपकी भी ये नहीं सुन रहे तो उखाड़ के फेंकिए। अब तक इन्होंने जितने का भी इनकी जो इज्जत बाजार में गई, इनका खुद का बेटा उछाला, जो इन्होंने हराम खाने से इन्होंने फीड करे हुए है ना, जो हराम उनको उन बच्चों को खिला के फीड करे हुए है, ये उससे पैदा हुई सो नस्ल है। तो ये आपका काम है साहब, आपको जब हम लोग रहबर बना के चलते तो आपका काम है इन लोग को देखना। ये दो घर रहने बाजू आजू बाजू आने जाने वालों को तकलीफा देना ये बात गलत है। उनको सलाम करना, कोई उन्होंने खुदा नहीं है और ना उनको मैं कुछ समझता हूँ। मेरे लिए उन्होंने पैर की जूती है। ये करने की असल वजह क्या? प्रीवियस असल वजह कुछ भी नहीं है। मन्नान की जो वायरल हुई थी रिकॉर्डिंग, जिसमें इम्तियाज उन जो गालियोलॉजी एक्सपर्ट जो थे ना, उनके बेटे, उसके लिए करे उन्होंने। जो वायरल हुई थी उनकी बदनामी जो हुई ना, उससे करे। अब जो आदमी हराम का खाएगा उन्हें ऐसी करेगा, वो तो ये वही चीज था, वो आपके भाई के साथ में था, लेकिन आपके ऊपर दुश्मनी निकालने का मेरे ऊपर इसीलिए करे उन्हें ऐसी करेगा, वो तो ये वही चीज था, वो आपके भाई के साथ में था, लेकिन आपके ऊपर दुश्मनी निकालने का मेरे ऊपर इसीलिए करे। मैं जाके असद साहब को इससे पहले बोला था, देखो भाई एक चीज के एमपी रहते, जब सदर है पार्टी का तो मेरा काम है उनके सामने ये चीज रखना। मैं उनके सामने ये चीज रखा था, मेरे को जो चीज उन्होंने तयकुन दिए थे मैं वो चीज करा। सबर रखो बोले सबर रखा, लेकिन अब ये चीज अनटॉलरेबल है। ये कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब चाहे इसको आप लोग नेगेटिव वे में लो या पॉजिटिव वे में लो। तो ये झगड़ा कहां पर हुआ? ये चारमीनार बस स्टॉप में, मेरे घर के नीचे चारमीनार बस स्टॉप में। उन्होंने उनके घर के बाहर उन्होंने आए, मैं बैठा हुआ था वहां पर, उन्होंने गाड़ी रख के आके पैदल आए वापस, दो गनमैनों के साथ में आए, आके करे उन्होंने। 25 साल से एमएलए हूँ 50 बार ये चीज बोले उन्होंने। तो मैं बोला तो 25 साल से एमएलए तो मैं क्या सर पे उठा के फिरूं? अभी आप जो पीएस में कंप्लेंट करा, कंप्लेंट का कुछ भी एक्शन होने वाला नहीं है। मेरे को ये भी मालूम है उनका दबदबा क्या है, वो भी मेरे को मालूम है। ठीक है, उनको अल्लाह ताला जहां तक कर सकता करने दो, मैं जहां तक हो सकता कर दो। उन्होंने ये चीज बोले है कि मेरे को पैर पे पैर रख के चीरते, और उनके मेरे को भतीजे बेटे बोले हैं कि गोलियां मारते। इंशाल्लाह रेडी हूँ, सीना दूंगा, सीने पे मारना। कौन से बेटे बोले? नाम बोलता हूँ, सबका नाम आता। कौन से बेटे बोले, कौन से भतीजे बोले? अगर मर्द है मुजाहिद है ना, आ जाना सीने पे मारना गोली, कहीं दूसरी जगह नहीं मारना, और बद पीछे से उंगलियां नहीं करना। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए दौरे हाजिर की तमाम जरूरतों को तहफ्फुज़ फराहम करते हैं AM टेक्नोलॉजी सेल्स एंड सर्विस। अब करेगी आपकी तिजारत बिजनेस
अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, होटल्स मैनेजमेंट या हॉस्पिटल के अलावा तमाम सोसाइटीज, दुकानात, मकानात की सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब करते हुए इसको सिक्योर बनाया जाएगा। इसके अलावा एएम टेक्नोलॉजी सेल्स एंड सर्विस सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन और उसका मेंटेनेंस के लिए हमसे रब्त पैदा कीजिए। मजीद तफसीलात के लिए मिस्टर सैयद समीर, जिनका फोन नंबर है 8686362575, आप इनसे मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा कर सकते हैं। तो याद रखिए, एएम टेक्नोलॉजी सेल्स एंड सर्विसेज हैदराबाद।